बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि आज ये मैं चूल्हा फिक्स करवा रही हूँ, क्योंकि हम किचन का आगाज़ कर रहे हैं और अपनी व्लॉगिंग को इसी तरह स्टार्ट रखना है, क्योंकि शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को हमें ज़िंदा रखना है। इसी तरह शहज़ादी ज़ैनब हमारे दिलों में रहेगी, वैसे तो सबके दिलों में भी है, सबकी दुआओं में भी है, आप लोगों की सपोर्ट है और मोहब्बत है। अच्छा, ये एनिवर्सरी से जो है पहले की वीडियो है, लेकिन ये मैं आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी की वीडियो जो है वो पहले अपलोड करनी थी। इनको बुला रहे हैं, हमारे प्लम्बर आ गए। नेक्स्ट किसी उसकी ज़रूरत होगी तो इन्हीं को बुलाएंगे, इंशाल्लाह इनका काम पसंद आया तो। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन है बेटा? पता नहीं कि पार्सल लेकर आया है। जी कौन? खोले जी भाई। निशान के नाम से। अच्छा दिखाएं। लो ठीक है, लाए सिग्नेचर। अमरीन निशान। गुलबखा आंटी की तरफ से आए पार्सल। देखा ना तो चलो देख। बच्चियां यहाँ पे मैं ईशा साफ करवा रही हूँ। ईशा भाई, ये हमारे चूल्हे जो है सेट हो चुके हैं। किचन क्या कर रही हो वरीशा? मैं चाय बना रही हूँ, शाम की चाय का वक्त हुआ जाता है। अच्छा भाई, वरीशा बना रही है अपने नए किचन में चाय बना रही है। आज वरीशा के हाथ की चाय पीते हैं, फिर हम देखते हैं। गुलबखा आंटी ने हमारे ड्रेसेस भेजे हैं। चलो चाय ले आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईशा चाय का वेट कर रही है। ये गिफ्ट लेके वहाँ चलो, ये गिफ्ट लेके ईशा वहाँ पर आओ। कल ये सारे कपड़े धोए थे, बस अभी भी कपड़े उठा के रखने। हाँ बेटा तुमने बनाई है, इधर लाओ, इधर लेकर आओ। झूठ बोल लिए, इससे नहीं बनाई, मम्मा ने बनाई। चलो पहले चाय पी लेते हैं।
गुलबा खान जी ने हमारे लिए गिफ्ट भेजे हैं। माशाल्लाह भाई, गुलबा खान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको लग रहा है ना माशाल्लाह से। इसके साथ ही गले का डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसका है। प्यारा सूट है। और एक ये पिंक कलर में, और एक ये पिंक कलर में है फ्रॉक स्टाइल, माशाल्लाह बहुत, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ दुपट्टा ये वाला, ये मेरा सूट भेजा आंटी ने, ये मम्मा का सूट है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, और ये कलर मेरे पास है भी नहीं। इसका ट्राउजर आएगा, आ गया इसका ट्राउजर, ट्राउजर आ गए माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, डिजाइन ही बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका दुपट्टा आ गया ऑरेंज कलर, कौन सा, काला वाला, ब्लैक वाला तुम लोग, चलो तो ये मैं नहीं, ये वाला ब्लैक वाला मुझे चाहिए। अब दोनों में लड़ाई हो गई, चलो वो बात मुझे ही चाहिए, चलो निकलो बेटा मेरा। तुम वरीशा, तुम्हारे पास ब्लैक बहुत हो गए, कोई आया है देख करो, वरीशा तुम बड़ी हो ना, यही देखती अम्मा पसंद के कपड़े, पिछली दफा भी इससे ही थे, चलो दे दो छोटी बहन है। नहीं अम्मा भाई, दे दो बेटा, बहुत प्यारे हैं, जज़ाकअल्लाह गुलबख आंटी, आपने ज़ैनब के लिए भी बहुत सारे ड्रेसेस और बहुत गिफ्ट भेजे हैं, और आपका प्यार पहले दिन की तरह से हमारे साथ आज तक कायम है। वरीशा अभी सब रख दो बेटा, कौन है, अच्छा फहद आई नानी, वालेकुम अस्सलाम, और बेटा खैरियत से हो, वालेकुम अस्सलाम, ब्लॉगिंग स्टार्ट है तुम्हारी, हमारे तो गिफ्ट आए हैं लोगों के, हमारे गुलबख़ा आंटी ने ड्रेसेस भेजे हैं, कहाँ से आए, किसने भेजे हैं, गुलबख़ा आंटी को जानते, तो गुलबख़ा आंटी, आंटी ने आज हम भी तो फहद के लेकर आए, आज तो गिफ्ट की भरमार हो गई है, वॉशरूम का ही लेकर अच्छा ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज होती है, इसकी वजह हीना जब भी आती है मेरे लिए वॉशरूम के लिए रेड कलर का पानी जरूर लेकर आती है, क्योंकि इसने भी ना थोड़ी सफाई की, सफाई की हीना को बहुत ज्यादा आदत है ना, इसके वॉशरूम भी जगमगाते रहते हैं, तो ये जब भी आती है आप ही वॉशरूम साफ करवाओ, ये रेड पानी जरूर लेकर आती है, या हर पिक, क्या लेकर आ गए फहद, सरप्राइज क्या लेकर आए बताएं भाई, बताया नहीं, बताया भाई, से वरीशा आप बताओ, तो शॉपर से पता ही चल रहा है पैकिंग से, बताओ लेकिन होगा क्या, जिसका जवाब सही ये इनाम उसी का सही है, लेकिन इनाम नहीं है भाई, गिफ्ट है ये, इनाम तो जब होता है ना, जब किसी सवाल के ऊपर जवाब सही हो तो उसको इनाम कहते, उसको इनाम कहते हैं ना भाई, लेकिन ये हम लेकर आए गिफ्ट, और ये लेकर आए आपकी मम्मा के लिए, आपके लिए तो आ गए है ना, इत्तेफाकन कुदरती आ गए अल्लाह की तरफ से, आपके लिए भी लेके रखे, मेरे लिए भी आ गए गुलबख़ा, ये जबरदस्त गिफ्ट है, ये देखें भाई आपके लिए लेकर आए, ये वही वाली ड्रेस ही है, उसमें से हमने आपके लिए ड्रेस निकाला था, वही कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जज़ाकअल्लाह, वरीशा खोल के खोल के दिखाओ, मुझे तो दो गिफ्ट करे फहद ने, माशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे फहद, मेरे सब भाइयों को अल्लाह ताला बहुत दे, अच्छा ये कलर मुझे पसंद आया था इत्तेफाक से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मीन आप बहुत खूबसूरत कलर लगेगा ये,
मैंने इससे कहा था फादी अच्छा लग रहा है और इसने मुझे गिफ्ट किया है। फहद बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, नहीं, नहीं शुक्रिया नहीं है, गलत बात है, बहुत बुरी बात है। और जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं हमारी फैमिली यूट्यूब है, आप लोग लाजमी बताएगा शुक्रिया। बहन भाइयों में कभी भी अदा नहीं करना चाहिए, सही है ना? भाई की मोहब्बत है ना जो बहन को दी है, और एक बहन को नहीं माशाल्लाह उसने सभी सब बहनों को दिया है भाई। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा हमने देखा आदत पड़ गई। कैसा लगा इनका? हाँ चूल्हा तो देखे हैं, चूल्हा देखा, ये तो दिखा दो, ये क्या लाया? ये किसके लिए है? ये है ट्राउजर है ना यार, ये भी लाया मेरे लिए। ट्राउजर है, अच्छा ट्राउजर का शौक नहीं है ना, इसलिए हमने कहा तुम्हारे लिए कुछ। ये सादा ट्राउजर था, शॉपिंग का शौक नहीं है, और इन्हें बिल्कुल शॉपिंग का शौक नहीं है। ट्राउजर बॉक्स वाले ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ट्राउजर भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छे है ना ईशा बताए हिना तुम्हारा हिना को क्या बोल। और चूल्हा तो दिखाओ, चूल्हा कैसा लग रहा है? आओ ऐसी आओ दिखाओ, चलो हम देखे चूल्हा तो देखे। आ दो बच्चों, चूल्हा देखते हैं मम्मा ने चूल्हा कैसा लगवाया है। ये लोग जो खुशियों में बस है। वाह ये देखो भाई, माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त यार, अल्लाह ताला बर्फ का नसीब करे। अच्छा इसकी रो तो देखें कैसी है, दिखाना परिशो, लाइटर दो, माचिस ही दे दो तुम लोगों के पास। इलेक्ट्रिक वो तो कह रहे थे इलेक्ट्रिक चूल्हे ही, लेकिन ये बगैर माचिस के नहीं चलते। चलते तो फिर ये तो माचिस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है इसमें, है ना? हाँ ये गलत ही चेक करवाना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक है किस तरह का इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक तो भी नहीं हुआ है क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से बगैर माचिस ही इलेक्ट्रिक होना चाहिए, माचिस ही चल रही है। अच्छा मेरे ख्याल से ऐसे ही होते होंगे, ऐसे होते इलेक्ट्रिक वाले कोई दूसरे होते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक वाले दूसरे होते हैं ना। ईशा वरीशा कैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इस पे बहुत अच्छे वरीशा ने चाय बनाई थी। ओपनिंग किसने की सबसे पहले? वरीशा ने चाय बनाई थी अभी। हाँ वरीशा की चाय, चलो तुम्हें स्वाद अपनी भांजियों के हाथ की चाय हम भी पियेंगे। दिल बड़ा करके मैं सोची हूँ वरीशा के हाथ की चाय पी लेती हूँ, लेकिन लेकिन ऐसा न हो कि जो शानदार मिल जाए। चलो सही है भाई, अब आओ फिर चलो अगर नहीं भी आती हमारे लिए बनाएंगी चाय। चलो और अगर नहीं भी बनानी आती ना वरीशा को तो मैं हूँ ना सिखा दूंगी। हिना आनी तो हिना आनी सबसे वाली चाय बना दूंगी, सबसे बेहतरीन चाय हमारे घर में हिना ही बनाती है। वैसे मैंने देखा है जिसको जो चीज आती है ना वो जिंदगी भर उसके पीछे चिपकी रहती है, कोई भी काम सीखना नहीं चाहिए। चाय बनाते तो बातों में लग रही होगी। तुम्हारी ईशा भी बहुत अच्छी बनाएगी, लेकिन ईशा भी छोटी बच्ची, ईशा तो अभी छोटी है ना मेरी बच्ची। नहीं इसे बेटा बंद करो, चलो ईशा आप चाय बनाओ। माशाल्लाह मुझे तो भाई बहुत पसंद आए, बहुत अच्छा है। अच्छा यार तुम्हारी यहाँ पे लाइटें जो है ना थोड़ी सी कम है, ऐसा फील होता है कि लाइटिंग जो है ना थोड़ी सी कम है, यहाँ पे लाइटें बढ़ानी पड़ेंगी मुझे, है ना? लाइटों की कमी है यहाँ पे, लाइटें भी लगेंगी इंशाल्लाह ताला, लाइटें लगानी पड़ेंगी यहाँ पे क्योंकि तुम्हारी लाइटों का सिस्टम है ना। चलो भाई कमरे में चलो जल्दी से, और ये सारे सूट समेटो, सारे ड्रेसेस जितने ही पहने समेटो, हमें जाना भी है। बैठ जाओ ना, खाना खा के जाना। नहीं नहीं खाना खा के नहीं जाएंगे, नहीं भरी खाना खा के जाएगा। क्यों पीछे लगी रहती है? अच्छा चलो खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला। ये किसके भेजे हैं ये वाले ड्रेसेस? किसके हैं ये? मेरे लिए भेजा ना गुलबखान थी ना। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक ड्रेस आपका ये हो गया, दिल से भेजा है। एक ड्रेस आपका ये हो गया, मेरे ख्याल से एक दुकान लग गया। बहुत अच्छे ड्रेसेस लग रहे हैं भाई, बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं। मैं तो कह रही हूँ शुक्र है कि लोगों ने गिफ्ट के तौर पर दिए, उन लोगों ने मोहब्बत करते हैं अपनी नापी से, वरना 5 साल में तो मुझे नहीं लग रहा है उन्होंने कोई जोड़ा बनाया होगा। हकीकत बात है 5 साल के बाद ही कुछ इनके पास ड्रेसेस नजर आ रहे हैं, वो भी किसी के गिफ्ट दिए जैसे है। मरीचा है ना, सही बोल रही है ना, मेरी भांजी भी बोल पड़ी, देखा सही बात सच है। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना कपड़ों में ना खाने में, दिन भर इन कमजोर भी हो रही है और अपना कोई सेहत का ख्याल नहीं रखती है। कितनी पतली हो गई है, पहले से तो बहुत कमजोर हो गई है, कोई भाई सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, बहुत बड़ी नेमत है जान, जान है तो जहान है। ये लोग मेरा दिल बहलाने की कोशिश करते हैं, दिल तो अभी भी नहीं चाहता, लेकिन बस शुक्र है अल्लाह का। मैं इंसान को खुश रहना चाहिए, एक दिन तो जीना पड़ता है जिंदगी के लिए भाई। अम्मा अम्मा हिना ने तो बड़े अच्छे सूट दिए हैं, अब आप इसे पहन लिएगा अम्मा, रखिएगा नहीं अलमारी में सजा के।
सजा के रख देती हैं, आप पहनती नहीं है, बस वही कपड़े पहन लेती हैं। नहीं नहीं पहन लूंगी इंशाल्लाह। चलो तय करके रखो, आप लोग भी बताइएगा आपको हम लोगों के कपड़े कैसे लगे हैं। और गुलबाग आंटी का एक बार फिर बहुत सारा दिल से शुक्रिया, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। वो समझ लें हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आप लोग सभी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। आप सब लोग यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और कमेंट्स करते रहा करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करें। आप वीडियो को सब्सक्राइब, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा भाई, ताकि हमारी वीडियोस और भी लोग देखें। शहजादी ज़ैनब का चैनल ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेगा। शहजादी ज़ैनब का चैनल शादो आबाद रहे और हमारे दिलों में हमारी शहजादी ज़ैनब इसी तरह आबाद रहे। अल्लाह हाफिज। टाटा। पाकिस्तान जिंदाबाद।